हेलो द व्यूअर, आप देख रहे हैं मैं एशिया टेलीकॉम में खड़ा हूँ इस टाइम। आज ये हमारे सामने जो है फ्रंट पे एलसीडी पे देख रहे हैं, ये 12 लैक की आईसी है और ये 6 वाली है और हमें इसे कन्वर्ट करना है 6 में। किस तरह से होगी ये पहले मुझे ही मालूम ना था, ये फ़िलहाल अभी मुझे मालूम हुआ है। मैं बताता हूँ आपको ये करके। ये एक जंपर हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ के लिए ये हो जाएगा एक, और दूसरा हम उठा लेंगे ये वाला A1 के लिए, और तीसरा हम उठा लेंगे ये स्विचिंग के लिए आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा K1 K2, ये K2 है, ये K1 है, और ये NC इसका कोई काम ना है, ये फालतू है एक्स्ट्रा, ये समझ लें। और ग्राउंड रहा, ये ग्राउंड आ जाएगा। ये इस तरह से 12 बोल की IC जो है, मतलब हम 6 में डिवाइड कर सकते हैं, बल्कि यूँ समझ लो 5 ही है। तो ये मेरे को भी पहले नॉलेज ना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे पता है इसके बारे में। मैं पढ़ा भी सकता हूँ, मैं बना भी सकता हूँ। और ये सब जो है, जो भी मुझे तोहफा मिला है, ये एशिया टेलीकॉम की वजह से है। और सही वक्त पे सही फैसला कर लेना चाहिए इंसान को, ज़्यादा सोचना या समझने की ज़रूरत ना है। जब हमें एक चीज़ प्रॉपर मिल रही है, जब हम हर तरीके से सेटिस्फाई हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ना है। और समझदार इंसान वही है जो वक्त के साथ में सही फैसला कर ले। हमें क्या ज़रूरत है इधर को फ़ोन लेके जा रहे हैं, उधर को फ़ोन लेके जा रहे हैं। वक्त की कदर करो मेरे भाई, वक्त की कदर करो। इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा ना है, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। अपनी एक जगह बैठो, तुम्हारे सामने अगर कैसे भी फॉल्ट का मोबाइल आ, टेक्नीशियन तुम जब हो, जब उसे बना के उठो। और तुम्हारे पास अगर तुम्हें सोचना पड़ लिया, यार ये फॉल्ट मेरे से ना होगा, ये मेरी समझ से बाहर है, तो तुम टेक्नीशियन ना हो। तो भाई अभी वक्त है, सही वक्त पे सही फैसला कर लो। जो इंसान वक्त पे फैसला ना करता, तो वक्त उसका फैसला कर देता है। इस इंसान का क्या करना भाई, वक्त रहते फैसला कर लो कि करना क्या है ना, तो वक्त तुम्हारा फैसला कर देगा कि इस इंसान का क्या करना। तो भाई सोचने की ज़रूरत ना है, एशिया टेलीकॉम बेफिक्र होकर ज्वाइन कर लो, कोई सोचने समझने की ज़रूरत ना है। इंशाल्लाह तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा, तुम्हें नॉलेज भी प्रॉपर मिलेगी, और एक टाइम ऐसा आगा जो तुम दुकानदारों के भी सेट बनाओगे। अपने तो बनाओगे ही, दुकानदारों के भी सेट बनाओगे, और उस लेवल पे काम करोगे कि काउंटर पे तुम बैठे होगे और एक दो चेले तुम्हारे पास खड़े होंगे, 5-5 मिनट में मोबाइल तुम बना के दे रहे होगे, भाई पेज खींच, भाई पेज खींच, पेज खींच, दो जने तुम्हारे मोबाइल को पैक करने में लगे हुए होंगे। इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आगा, लेकिन पहले कदम उठाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ये याद रखना, पहले कदम उठाना पड़ा। मैं भी बिल्कुल सादा था, नॉर्मल था, मैं भी बिल्कुल सिंपल, कुछ ना आता था, लेकिन आज तुम्हारे सामने ये है सब, डायग्राम खुले हुए, मैं पूरे बोर्ड को देख के बता सकता हूँ कहाँ से क्या होना है। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन करो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना है, बेफिक्र होकर। एशिया टेलीकॉम तुम्हें ज़िंदगी भर सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तुम एक महीना दे के दो, एशिया टेलीकॉम तुम्हारे लिए, सारे टेलीकॉम कहते हैं कि आधी रात तैयार हैं, लेकिन एशिया टेलीकॉम कहता हम पूरी रात तैयार हैं। क्या बात है, ये समझ लो, बस ये समझ लो, बेफिक्र होकर आ जाओ, इससे आगे कुछ ना है भाई। तुम्हें नॉलेज भी ज़बरदस्त मिलेगी, और तुम्हें इंशाल्लाह सपोर्ट भी ज़बरदस्त मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख शहजाद है, मैं गुजरात से आया हूँ। एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में आज मेरा 8वां दिन है। आज का हमारा सब्जेक्ट था लाइट IC, तो मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास लाइट IC का प्रॉब्लम आता है, फ़ोन जो फ़ोन में लाइट IC का प्रॉब्लम आता है, तो 12 लेक के जो IC होती है, तो हमारे पास वो नहीं चलती और हमको चेंज करना है, तो हम उसको कैसे मॉडिफाइड करें वो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए आप, ये 12 लेक की IC है और ये 6 लेक की IC है, तो ज़्यादातर ये 12 लेक की जो IC है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है और ज़्यादातर मिलती नहीं है, तो इसको हम कैसे मॉडिफाइड करें। तो ये 6 लेक की जो IC है, उसमें पहले ये जो इनपुट
हम इसमें कनेक्ट करेंगे जो 4 वोल्टेज का होता है, तो हम B3 में यहाँ पे इन कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्विचिंग आएगा, तो स्विचिंग को हम D3 में यहाँ स्विचिंग करेंगे जो 4 वोल्टेज का होता है। और उसके बाद हम ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और फीस बैक जो ज़्यादातर 2 इसमें होते हैं K1 K2, तो हम यहाँ पे ये K1 और K2 है जो LED लिखा आता है। और उसके बाद हम PWM जो हम यहाँ पे A1 में कनेक्ट करेंगे, और NC जो है जो नॉट कनेक्टर उसको इतना ज़्यादा हम वो नहीं लेंगे। तो बस इतनी चीज़ हमको करना है। 6 लेग की IC को हम 12 बोल के लेग के IC में, बस इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप इतना ही बस IC में कनेक्ट करते हो तो आपकी ये IC मॉडिफाइड हो चुकी है। बस इतना प्रोसेस में आपकी IC ओके है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा 8वां दिन है यहाँ पे, तो मुझे फ़ोन का कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कभी ना बोर्ड पे है ना कुछ कोई यानी किसी तरीके का मैंने कोई काम नहीं किया है। तो देखिए आप, इस मैं ये चीज़ समझ भी गया हूँ और मैं समझा भी रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, ये चीज़ मैं समझ भी गया हूँ और समझा भी रहा हूँ। तो आप ये चीज़ मेरी ये बात जान के आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन से यहाँ पे सिखाया जाता है, समझाया जाता है और समझ में आ भी जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप तो ज़्यादातर जो इस फील्ड में इंटरेस्ट होते हैं वही ये सब वीडियो देखते हैं, तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा काम जानते होगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं था कि कॉम्पोनेंट में कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड है, थर्मिस्टर है, ये सब मुझे यहाँ पे आके पता चला है। इनका क्या काम है, किस तरीके से काम होता है, ये सब कुछ मुझे यहाँ आके पता चला है। तो बस यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ का पढ़ाने का तरीका अलग है, एकदम अलग है। आपको डीप लेवल का नॉलेज मिलता है, और जो चीज़ जो IC होती है वो IC आपसे कुछ भी IC निकालने में या बिठाने में कुछ फॉल्ट भी आ जाता है, आप उसको कैसे बाईपास कर सकते हो, कैसे मॉडिफाइड कर सकते हो, वो हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बताया जाता है। तो मैं यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कहीं और जाओगे वहाँ भी आपको कुछ ये इस तरीके का नॉलेज नहीं मिलेगा। तो और एक चीज़ होता है कि जब दुकान के अंदर हम बैठते हैं तो कस्टमर फ़ोन लेके आते हैं, अलग अलग तरीके के फॉल्ट होते हैं, तो कहीं ज़्यादातर हमको नॉलेज नहीं होता है इस लेवल का, तो हम किसी और के पास वो फ़ोन भेजते हैं। तो जब हम किसी और के पास वो फ़ोन भेजते हैं तो वो कहेगा, वो तो कमाने के लिए बोलेगा हाँ ठीक है मैं बना दूंगा, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि मैं रिपेयर करके पैसा कमाऊँ। तो वो फ़ोन तो आपसे वो ले ही लेगा, लेकिन आपको टाइम भी बता भी देगा कि भाई 2 घंटे में 3 घंटे में मैं दे दूंगा, लेकिन वो फ़ोन वो शख्स आपको 2 से 3 दिन 1 वीक तक का टाइम ले ही लेगा, क्योंकि उसको कमाना है, उसी से कमाएगा। लेकिन जो मार्केट में एक बंदा अच्छे से काम रिपेयरिंग करता है, सब फ़ोन उसके पास जाते हैं, तो सबका फ़ोन बनाने में टाइम लेता है, तो फिर आपका भी फ़ोन टाइम लेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी वो काम लेके बैठे हो तो पूरा नॉलेज रखो आप, और ये पूरा नॉलेज आपको एक ही जगह मिलता है, पूरे इंडिया में एक ही जगह पे मिलेगा, वो है एशिया टेलकॉम। आप एशिया टेलकॉम को ज्वाइन करो, आप एक दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नॉलेज क्या मिलता है। तो बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस यही एक है कि आप एशिया टेलकॉम में फीस जो भरेगे वो पूरे के पूरी फीस से ज़्यादा नॉलेज लेके जाओगे। नमस्ते इंडिया, तो ये वीडियो देख रहे हैं साउथ से, JNK से, जो वीडियो देख रहे हैं बंगाल से या कहीं से भी, अगर आप पढ़ते हैं या आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं तो आप जुड़िए एशिया टेलीकॉम से। सबसे पहले हमारे वीडियो देखिए हमारे चैनल पर जाके, या फेसबुक में जाके एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए और लाइव वीडियो देखिए हमारे डेली क्लासेस के, या एशिया टेलीकॉम के चैनल पर जाके आप उनके वीडियो देखिए। आप पहले, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पहले दिन ही मुझे कॉल करके एडमिशन लीजिए, आप मुझे 3 महीने तक लगातार देखिए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक मुझे 3 महीने 4 महीने देखेंगे तभी आपको मुझ पर ट्रस्ट आएगा, और आप फिर बोलेंगे सर यही बंदा मुझे पढ़ा सकता है। और मैं बिलीव मी मैं आपको 3 दिन में लाइव पावर, 14 दिन में लाइव CPU, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है, और आपको जबरदस्त IC मॉडिफिकेशन के साथ हम सर्किट करवाएंगे, जबरदस्त डैट और नेट्रो सेक्शन, और आपको PCB का देखने का नजरिया चेंज करेंगे, और बेहतर क्वालिटी में आपको सॉफ्टवेयर का एडवांस आपको UMC UFS देखने को मिलेगा।
सब कुछ, और उसके लिए बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैकअप, जिसमें आपको हमारे बैकअप एप्लीकेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा, और ये सारी चीजें एसी टेलीकॉम से सर पॉसिबल है। तो आज ही कॉल कीजिए एसी टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच।